नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक लकम आप सभी का स्वागत करता हूँ लकम्स टेक्नोलॉजी थिंक ऑल इज डिफरेंट में। मित्रों, आज हम सीखेंगे कि गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्या है। गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स एक ऑनलाइन स्टोरेज है जो हमें बहुत अच्छी तरह से काम आता है। आप कई तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है और आप उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और पास में ही दिए गए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाइए और सबसे पहले देखिए हमारे सारे वीडियोज़। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम या आपका कोई भी ब्राउज़र हो उसे ओपन करना पड़ेगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो साइड में आपको एक गूगल ऐप्स का एक आइकन देखेगा, वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो ड्राइव का ऑप्शन है, उस ड्राइव के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको साइन इन करने को बोलेगा, लेकिन मैंने पहले से ही साइन इन हूँ इसलिए मुझे साइन इन करने को नहीं बोलेगा। अगर आपको साइन इन करने को बोलता है तो आप उसको साइन इन कर लीजिए अपने जीमेल एड्रेस से। गूगल ड्राइव का यूज़ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक जीमेल एड्रेस होना बहुत ही आवश्यक है। जीमेल एड्रेस से आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेयर आपको दिखाई देगा। अभी मैंने गूगल ड्राइव में मेरे कई सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ अपलोड किए हुए हैं। तो इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने साथ तो सभी सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ कभी नहीं रखते, और अभी कई बार ऐसा आता है कि हमें कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट का यूज़ करना पड़ जाए तो हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपने अपने जो फ़ोटोज़ है या आपके जो डॉक्यूमेंट्स है या आपकी कोई ज़रूरी फाइल्स है जो आपको बार बार यूज़ करनी पड़ती है, उसको आप गूगल ड्राइव में रख लेंगे या ड्रॉप बॉक्स में रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ से आप कभी भी और कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी मोबाइल से नेट यूज़ करके आपके ड्राइव से उसको अपलोड कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और इसका जो लाभ है मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ड्राइव का यूज़ करके किसी अपने दोस्त को मेल जब करते हैं तब इसका भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कई सारे और वीडियोज़ भी है, वहाँ से आप उसको स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन में देखिए। लकम्स टेक्नोलॉजी के और भी सारे कई सारे वीडियोस हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ सबसे पहले कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर कैसे अपलोड करते हैं, तो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ एक न्यू का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस न्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। न्यू के ऑप्शन पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ से आप फाइल अपलोड कर सकते हैं और फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। जनरली हमें फ़ाइल ही अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि फोल्डर अपलोड करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो चलिए एक फ़ाइल अपलोड करके देखते हैं। यहाँ कुछ मेरे इमेजेस है तो उसमें से मैं चलिए इस इमेज को ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये जो नीचे एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो अपलोड कर रहा है, और देखिए यहाँ वन अपलोड कंप्लीट आप देख रहे हैं। तो अभी जो मैंने जो फ़ोटो यहाँ अपलोड किया है वो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ वो आ गया है। तो इस फ़ोटो का यूज़ मैं कभी भी कहीं भी कर सकता हूँ, मुझे इसके साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी फ़ोटो को हम अपने जीमेल से कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि गूगल ड्राइव जो है वो आपको 15 GB तक का स्टोरेज देता है, जिससे आप 15 GB तक अपने फ़ोटोज़ है या आपके कोई एप्लीकेशन है या आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको स्कैन करने करके रखे हैं या आपकी कोई फाइल है कंप्यूटर की, आप कोई भी फाइल इसके अंदर रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हम इसका जीमेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं।
चलिए आपको कोई किसी को जीमेल करना है और वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कंप्यूटर में है और आपका कंप्यूटर आपके पास नहीं है या आपका मोबाइल आपके पास नहीं है, तो किसी और के कंप्यूटर या मोबाइल से आप कैसे अपने इस डॉक्यूमेंट को किसी को सेंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने जीमेल को यहाँ खोल के रखता हूँ। दोस्तों यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि जो लेआउट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं कि बेसिक HTML। तो यहाँ आपको एक कंपोज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से हम कंपोज करेंगे न्यू मेल। तो यहाँ से कंपोज करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ ऊपर आपको किसी का भी मेल एड्रेस निकला है, जैसे कि मैं यहाँ अपना मेल एड्रेस, तो यहाँ से आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप डायरेक्ट वो इमेज ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ से लेते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभी जो हमने जो फाइल अपलोड की थी वो यहाँ पे है, उस पर हम क्लिक करेंगे। आप दूसरी भी फाइल यहाँ सिलेक्ट करना चाहे तो दूसरी भी कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और आपकी जो फाइल है डायरेक्टली आपके मेल पर आ जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली किसी को भी सेंड कर सकते हैं, आपको अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है, जीमेल के साथ इसको अटैच किया गया है, गूगल हमें बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और ऑनलाइन स्टोरेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो है ड्रॉप बॉक्स। तो यहाँ ड्रॉप बॉक्स लिखेंगे, ड्रॉप बॉक्स भी बहुत ही अच्छा स्टोरेज दे रहा है। यहाँ से आप ड्रॉप बॉक्स ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको साइन इन करना पड़ेगा, अगर आपके पास साइन इन आपने पहले से उसको नहीं बना के रखा है तो आप पहले उसको साइन अप कर लीजिए या अपना नया अकाउंट बना लीजिए। यहाँ से मैं साइन अप करता हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट करके आप अपना खुद का अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं तो मैंने उसको जीमेल से साइन इन किया हुआ है पहले से, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए एक नया मेनू खुल गया है और यहाँ मेरा जीमेल का एड्रेस दिखा रहा है, उससे मैं साइन इन हो जाऊँगा। साइन इन होते ही जितनी भी मेरी फाइल है जो मैंने इस ड्रॉप बॉक्स में रखी हुई है वहाँ यहाँ आप सब फाइल यहाँ देख सकते हैं। ये रिसेंट फाइल है लेकिन मैंने बहुत सारी और फाइलें भी यहाँ रखी हुई है। यहाँ आप यहाँ आप कई सारे फोल्डर्स देख रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट, मेरे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सॉफ्टवेयर, मैंने कई सारे सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर रखे हुए हैं। चलिए कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, किसी को भी आप सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके भी आप सेंड कर सकते हैं, और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी को आप शेयर कर सकते हैं। इसके शेयर पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। एक लिंक क्रिएट करने के बाद उस लिंक को आप जैसे कॉपी करेंगे उस लिंक को आप किसी को भी भेज सकते हैं। इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया और इस कॉपी की हुई लिंक को जब हम किसी को वो ये लिंक देंगे तो वो डायरेक्ट हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकता है या आप खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी आप कैसे अपलोड करेंगे देखते हैं, यहाँ एक अपलोड फाइल का ना ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस अपलोड फाइल को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड फाइल को क्लिक करेंगे यहाँ फिर से अपना कंप्यूटर खुल जाएगा और यहाँ से मैं वही जो इमेज है मैं ले रहा हूँ, और यहाँ जो हमारी नीचे इसकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ जो अपलोड हो रहा है आपको यहाँ से व्यू डिटेल करके भी उसको देख सकते हैं। जैसे अपलोड हो जाएगी वो फाइल हमारी यहाँ पे
आ जाएगी और हम उसका यूज आप जैसे हमने ड्राइव में किया है, गूगल ड्राइव में, ऐसे ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं ड्रॉपबॉक्स में भी। तो हमारी फाइल अपलोड हो गई है और ये देखते हैं कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ वो जो फाइल है आप देख सकते हैं मैंने जो अभी अभी अपलोड की है। तो दोस्तों ऐसे ही गूगल ड्राइव से और ड्रॉपबॉक्स से आप बहुत सारी ये फाइलें अपलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आज तो ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आपके कंप्यूटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी एक क्लाउड कहते हैं उसको, जो ऑनलाइन स्टोरेज है, इसका आप यूज़ करके कभी भी कहीं भी अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। लगम्स टेक्नोलॉजी, थिंक ऑलवेज डिफरेंट, हैव अ गुड डे।